सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करके आओ, उसके बाद ही मेरा वीडियो देखना। तो अभी तक तो ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसका रीज़न भी आपको पता होगा, जो मेरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक ये सबसे जुड़े होंगे उनको ज़रूर पता होगा कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। और वैसे भी ब्लॉग अब बनाने मतलब उतना बना भी नहीं सकते, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम स्टडी कर रहे हैं, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए सोचे एक वीडियो, एक ब्लॉग छोटा सा बना के डाल दें बस ऐसे, क्योंकि हमको कोई मतलब ऐसे ही आप समझ ही सकते हो क्या कहना चाहते हैं। सो मतलब अभी तो रात के बज चुके हैं 10:35 हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी ब्लॉग अभी पता है मतलब मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो सोचे चलो एक वीडियो बनाते हैं ऐसे इंजॉयमेंट के लिए। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको दिखाएंगे अपने रूम जिसमें हम रहते हैं हॉस्टल में। हम तो अभी यहाँ पे आपको दिल्ली से 50 किलोमीटर पीछे जो मेरठ है, यूपी में स्थित है, वहाँ पे हम हैं, ठीक है। यहाँ से दिल्ली जाने में मात्र 1 घंटा से भी कम समय लगता है, मतलब मान लीजिए 45 मिनट्स, लेटेस्ट 45 मिनट्स लगते हैं बस से जाने में, ठीक है। तो अभी हम अपना रूम दिखाएंगे और आपको दिखाते हैं। ये है हमारा रूम, यहाँ पे देख सकते हो मेरा बैग होगा, ये वाटर बोतल है। हम दो लड़के इस रूम में रहते हैं, एक यहाँ पे टेबल है और एक यहाँ पे टेबल है। अभी कपड़ा उपड़ा इधर फेंका गया, क्योंकि अभी एक अलमीरा मिला हुआ है, एक अलमीरा अभी बाकी है, तो वो मिल जाएगा तो कपड़ा सब सेपरेट हो जाएगा। ये जो मेन गेट है और ये एक बेड है और एक वहाँ पे बेड है। फाइनली यही हमारा एक छोटा सा रूम है जिसमें अपना ज़िंदगी काटना है। और ज़िंदगी क्या है भाई, 3 साल काटना है, 3 साल भाई, ये 2 महीना, 1 महीना नहीं, 3 साल है। 2 साल कैसे कैसे मोतिहारी में, मैं मोतिहारी रहता था आपको तो पता ही होगा, वहाँ पे कैसे कैसे कटे, कैसे कैसे खाना बनाए, खाते पीते, मतलब माथा दर्द करते करते काटे। पर यहाँ पे 3 साल रहना है, 3 साल, और वो 3 साल कब बीतेंगे, कब बीतेंगे, आज ही से मतलब है कि कब बीते जाएंगे ताकि यहाँ पे चला जाए। सो ये बात है, यहाँ पे एक टेंशन तो नहीं है हॉस्टल में रहने में, भले कुछ भी नियम हो, बहुत सारे हॉस्टल बुक्स है, बहुत सारे इसमें इस हॉस्टल में मतलब नियम है, वो तो सब हॉस्टल में रहते हैं, बट एक टेंशन नहीं है, खाना बनाना, खाना बना के खाना, बर्तन मांजना, ये सब तो टेंशन नहीं है। बस एक ही टेंशन है, सिर्फ कपड़ा को धोना, और कुछ टेंशन नहीं है। खाना, नाश्ता, डिनर, जो भी हो, ब्रेकफास्ट, लंच, टी, जो भी हो, वो सब टाइम पे मिलता है। आराम से जाइए, खाइए और रहिए, और अपना स्टडी कीजिए, कॉलेज जाइए बस। और ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ा है, अभी तक तो हम घूमे भी नहीं है पूरा, क्योंकि इतना बड़ा है ना, चलते चलते मेरा पैर दर्द कर लेगा। और मेरा जो रूम पार्टनर है ना, वो जल्दी चलता ही नहीं है, उसको हम कंधा पे लाद के चलाते हैं, कंधा पे लाद के। सो देख सकते हो अभी गाय जो सोया हुआ है, उसको बोले हैं वीडियो में आने के लिए, बट वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहे हो भाई, थोड़ा दर्शकों को बता दो। देख सकते हैं उसका हाथ का स्टाइल देख लो भाई, अब उसका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, वो बोल रहा है मैं ब्लर कर दूंगा उसका चेहरा, क्योंकि वो मना किया है। कोई रीजन होगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा शर्म आ रहा है कैमरा के सामने आने में, पर कोई ना एक दिन वो जरूर आएगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मेरा सब्सक्राइबर पुगेगा ही नहीं, मेरा वॉच टाइम पुगेगा ही नहीं, तो आप दिखाओ दोस्तों उसको पुगा के कि कितना बढ़ सकता है, उसको दिखाओ, ये चैलेंज किया उसने मेरे। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये ब्लॉग नहीं है, बस ऐसे ही अपना डिस्कशन वीडियो डाले हुआ हूँ। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।